और जमशेदपुर के सोनारी में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकालकर कलकत्ता के मृत महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी और दोषियों पर सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। बता दें कि कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले पर आज पूरा देश में गुस्सा है और जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वही जमशेदपुर के सोनारी में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकालकर मृत महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार से मांग की है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। हम लोग ये कहना चाहते हैं सारी महिलाएं पूरे देश भर की, ये मेरी आवाज़ अकेले की नहीं पूरे देश भर की महिलाओं की है, आज जो कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर ममिता देवबंधु के साथ जो हुआ, जो लोगों की सेवा भाव में अपने जीवन निकाल रही थी, सेवा कर रही थी, उस डॉक्टर के साथ में आज इतना बड़ा नृशंस हत्या, रेप, बलात्कार जैसे हत्या को अंजाम दिया गया और आज तक उसके अपराधी घूम रहे हैं, सही से न्याय नहीं मिल रहा। इससे पूरे देश में महिलाओं के बीच में आक्रोश है, लोग को बीच में अशांति है, हर महिलाएं डरी हुई है अपनी बहन बेटियों को लेकर के। तो हम लोगों आज हम लोग अपने इस कैंडल मार्च के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहते हैं। समाज से दुर्गा देवी बोल रही हूँ, उपाध्यक्ष। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को न्याय मिले, सिर्फ एक डॉक्टर को नहीं, हमारी सभी महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। इस तरह के दरिंदगियों से हम लोग को मुक्ति कब मिलेगी? इसके लिए हम लोग हर रोज़ डरते रहते हैं, बच्चे को बाहर भेजना बहुत दिक्कत हो जा रहा है, डर हो रहा है, बच्चे शाम में घर नहीं आ रहे तो सभी असुरक्षित फील कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर को अभी भी तुरंत उसको न्याय मिलना चाहिए और उसको दर्दनाक फांसी या फिर कोई भी सजा, उसके लिए नया सजा निकाले ताकि उसे देख कर अगला जो दरिंदा है। आज हम लोग बंगाल सरकार को एक कैंडल जुलूस के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि हर महिलाएं अब रोड पर निकल चुकी हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। महिला को सुरक्षा चाहिए ही चाहिए और वो लोगों को, अपराधी जो आज भी आराम से घूम रहे हैं, उन लोगों को बीच चौराहे पे फांसी दिया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी ये गलती दोबारा ना।